गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमें चैप्टर 8 एक्सप्लेन कर लिया था, आप सबने वीडियो सही तरह से देखा होगा। माय फैमिली आपको समझ में आ गया होगा, स्मॉल फैमिली किसको कहते हैं, बिग फैमिली किसको कहते हैं, जॉइंट फैमिली किसको कहते हैं। ओके, अभी हमें उसके न्यू वर्ड्स और एक्सरसाइज देखनी है। पहले लिखते हैं न्यू वर्ड्स। ओके, तो आपको एनवायरनमेंट की नोटबुक में चैप्टर 8 माय फैमिली ऐसे हेडिंग लगाना है और उसकी डेट और डे आपको ऐसे लिखना है। ओके, नाउ स्टार्ट इस चैप्टर 8 न्यू वर्ड्स। ओके, देखो मेरे साथ आप सबको ऐसे ही लिखना है न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है माय, MY, माय यानी कि मारू। सेकंड है फैमिली, FAMILY, फैमिली, फैमिली यानी कि कुटुंब, परिवार। थर्ड है लिव, LIVE, लिव यानी कि रहना। फोर है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर यानी कि भाई। फाइव है फादर, FATHER, फादर यानी कि पापा, पिताजी। सिक्स है मदर, MOTHER, मदर, मदर यानी कि मम्मी, माता। सेवन है सिस्टर, SISTER, सिस्टर यानी कि बहन, क्या होता है बहन, सिस्टर यानी कि बहन। एट हेड, HEAD, हेड यानी कि यहाँ पे हमारा मीनिंग होता है बड़ा, HEAD, हेड यानी कि ऊपरी जो होता है कुटुंब का, बड़ा जो होता है, बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं हेड। नाइन है नीड, NEED, नीड यानी कि जरूरियात। टेन है अवर, OUR यानी कि अवर यानी कि हमारे। उसके बाद उसके पास में ही आपको ऐसे लाइन नंबर लिख के लिखना है, लाइन ड्रॉ करके। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट यानी कि अलग अलग। KINDS, काइंड्स यानी कि प्रकार की, यहाँ पे हमारा जो मीनिंग होता है अलग अलग टाइप की होती है ऐसे, डिफरेंट काइंड्स यानी कि अलग अलग प्रकार की। 13 है स्मॉल, SMALL, स्मॉल यानी कि छोटा। 14 है बिग, BIG, बड़ा। फिर 15 है नेबर, NEIGHBOUR, नेबर यानी कि पड़ोसी। 16 है जॉइंट, JOINT, जॉइंट यानी कि साथ में रहने वाला, साथ में। 17 है कजिन, CUSIN, कजिन, कजिन यानी कि पितराई, भाई बहन यानी कि काका काकी के जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं कजिन। 18 है रिलेटिव्स, RELATIVES, रिलेटिव्स यानी कि हमारे सगे संबंधी, रिलेटिव्स। ओके, तो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स। अभी देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, आपको ये PDF में मिल जाएगी, उसके बाद आपको सही तरह से लिख लेना है और याद करना है। अभी देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप सबको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स है उसको आपको अपने फैमिली के बारे में लिखना है। आई लिव विथ माई, क्या आएगा माई फैमिली, क्या लिखना है इसमें, आप कहाँ पे रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो यहाँ पे लिखना है फैमिली, FAMILY, फैमिली। माई सरनेम इज, आपकी सरनेम जो भी हो आपको यहाँ पे वही लिखनी है। ओके, हर्षिल की सिद्ध पर आए, फिर ध्यानी की डांगरिया है,
बुआ परी की बुआ है, भालिया परी की भालिया है, तो आपको अपनी सरनेम ही यहाँ पे लिखनी है। ओके, मैं ब्लैंक्स यहाँ पे नहीं लगती, आपको अपनी सरनेम लिखनी है। फिर है माय ग्रैंडफादर्स नेम इज़, तो आपके दादाजी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ग्रैंडफादर्स यानी कि दादाजी, दादाजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है माय ग्रैंडमदर्स नेम इज़, तो आपको किसका नाम लिखना है, अपनी दादी माँ का, किसका नाम लिखना है, दादी माँ का। माय ग्रैंडमदर्स नेम इज़, जो भी हो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है माय यंगेस्ट कजिन्स नेम, कजिन माय यंगेस्ट यानी कि जो बड़ा होता है उसका नाम, माय यंगेस्ट कजिन्स नेम इज़, आपके अंकल के लड़के का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आपके कज़िन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ द फैमिली बिलो ईच पिक्चर्स, आपको यहाँ पे लिखना है कि ए फैमिली कौन सी है, स्मॉल फैमिली है, बिग फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, आपको यहाँ पे उसके नाम लिखने हैं कि कौन से टाइप की फैमिली है। तो हमने सीखा था कि दो पेरेंट्स हो और उसके साथ एक और दो बच्चे हो, उसको कौन सी फैमिली में लिखेंगे हम, स्मॉल फैमिली, कैसी, स्मॉल फैमिली, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्मॉल फैमिली। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में से आंसर लिखना है स्मॉल फैमिली। ओके, अभी देखो इसमें दादा दादी मम्मी पापा अंकल आंटी सब साथ में, कजिन सब साथ में हैं, तो इसको कैसी फैमिली बोला था हमने, जॉइंट फैमिली, कैसी फैमिली बोला था, जॉइंट फैमिली, तो हमें यहाँ पे लिखना है जॉइंट फैमिली, जे ओ आई एन टी एफ ए एम आई एल वाई, जॉइंट फैमिली। ओके, यानी कि साथ में रहने वाली फैमिली। फिर यहाँ पे तीसरी जो फैमिली है उसमें हमने बोला था कि तीन से ज़्यादा बच्चे हो, दो से ज़्यादा बच्चे हो, वो कैसी फैमिली में आएंगे, बिग फैमिली, कैसी फैमिली, बिग फैमिली, तो आपको यहाँ पे लिखना है बिग फैमिली, बी आई जी एफ ए एम आई एल वाई, बिग फैमिली। ओके, तो ए हो गया चैप्टर 8 का एक्सरसाइज में ए और बी क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं सी, फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ योर क्लासमेट्स लिव इन दिस फैमिली। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी फैमिली मेंबर में कौन सी कितने सभ्य रहते हैं और कितने स्मॉल फैमिली वाले क्लासमेट है आपके, किसमें बिग फैमिली वाले क्लासमेट है कितने और जॉइंट फैमिली वाले कितने हैं। तो मैंने ऐसे अंदाज लगा के ही हम सब ने ऐसे आंसर देना है। तो स्मॉल फैमिली है 8, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर अभी तो एक ही बच्चे और दो ही बच्चे होते हैं, तो हमने ज़्यादातर स्मॉल फैमिली लिखा है, तो आपको इसमें नंबर लिखना है 8। फिर है बिग फैमिली, तो कई सारे घर में, कुछ कुछ घर में ऐसे होते हैं बिग फैमिली, दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उसमें कितने लिखे हैं मैंने, 5। अभी जॉइंट फैमिली में दादा दादी अंकल आंटी ऐसे तो कम से कम घर हो गए, तो उसमें मैंने जॉइंट फैमिली में कम से कम नंबर लिखे है, तो 3 ही घर लिखे है। ओके, तो आपको ऐसे यहाँ पे नंबर लिख लेने हैं। फिर उसके बाद है एक्टिविटी टाइम में पास्ट फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड मेक योर फैमिली ट्री ऑन ए चार्ट, चार्ट पेपर, डिस्प्ले इट इन योर रूम। आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी करनी हो ने, तो आपको ऐसे दादा दादी मम्मी पापा अंकल आंटी आपके कजिन्स ऐसे सबके फोटोग्राफ्स इकट्ठे करने हैं। कैसे क्या करना है, सबके फोटोग्राफ आपको इकट्ठे करने हैं और ऐसे चार्ट पेपर हो ना वाइट कलर का जो बड़ा वाला पेपर आता है, ऐसे चार्ट पेपर पे ऐसे सबके फोटोग्राफ चिपका के आपको ऐसे ऐसा वाला जैसे यहाँ पे दिखाया है वैसा ही आपको सिमरन का जैसे दिखाया है फैमिली ट्री, वैसा आपको अपने पेरेंट्स के अपने दादा दादी के ऐसे फोटोग्राफ्स चिपका के ऐसे आप अपने रूम में लगा सकते हैं, ऐसे चार्ट पेपर पे लगा के फैमिली ट्री बना के। ओके, तो ऐसी एक्टिविटी आपको मम्मी को बोलना कि मुझे ऐसी एक्टिविटी करवाओ, जैसे आपके
फैमिली मेंबर्स के सभी के फोटोग्राफ्स आ जाएंगे और आपको बनाने भी अच्छा लगेगा। ओके, तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाए है। न्यू वर्ड्स और एक्सरसाइज की पीडीएफ आप सबको भेज दूंगी, आप सब सही तरह से लिख लेना और अच्छे हैंडराइटिंग करना। ओके, तो इसमें तो आप सबको अपने हिसाब से ही आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय, थैंक यू।